नमस्कार दोस्तों, देखिए फ्रेंड, ये देखिए डंठस कितना अच्छा यहाँ पर खिला है, उधर में भी एक दो है। हाँ, उधर देखिए फ्रेंड, लाल लाल मशरूम उधर में भी बहुत खिला है। अभी उधर धूप हो गया फ्रेंड, उधर जाएंगे नहीं। और सब देखिए मेरा कितना अच्छा चल रहा है। अब धीरे धीरे मिट्टी तैयार करेंगे फ्रेंड, उसके बाद ही ये सब लगाएंगे। अब फ्रेंड हम बताए ना आप लोग को कि इसका हम कटिंग करेंगे, तो इसका भी कटिंग करेंगे फ्रेंड। और एक कोलोरोमा जो है, ये तो आप लोग को दिखाए थे, ये तैयार हो गया है, इसको हम इसी में डाल के रखे हैं, तो इसको भी हम पॉटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस रेडी करके रखे हैं, इसी के अंदर में रखेंगे। इसको निकालते हैं फ्रेंड, इसको हम पॉटिंग करते हैं और इसका कटिंग करेंगे। कैसे इसका कटिंग करके हम रखेंगे फ्रेंड, नहीं तो यहाँ से खराब हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, खराब होने का चांसेस है, तो लगता है यहाँ से कटिंग कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हम करते हैं फ्रेंड, इसको निकालते हैं कोलोरोमा को। देखिए फ्रेंड, इसको निकालने में थोड़ा मुश्किल हुआ, मिट्टी निकाल लिया। देखिए इसका रूट कितना निकला है, कुछ दिन पहले थोड़ा सा दिखाए थे, और जब इसमें लगाए उसके बाद देखिए कितना रूट इसका अच्छा हो गया। तो हम इसको हिलाते नहीं ज़्यादा, इसमें मिट्टी भर गया है। ये देखिए फ्रेंड, इसको हम इसी तरह बैठा देते हैं, ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करते हैं। अब थोड़ा हम पत्ते वाला जो सड़ा हुआ पत्ता है ना फ्रेंड, ये देखिए यहाँ ये भी थोड़ा हम अंदर तरफ से डाल देते हैं। देखिए ये मेरा खाद कितना अच्छा काम करेगा फ्रेंड, मिट्टी थोड़ा बहुत मिला हुआ, ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से अभी मिट्टी डाल देंगे फ्रेंड, इसके लिए बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसमें मिट्टी है ना फ्रेंड, इसमें मिट्टी डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा हुआ आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। नए लोग आते हैं जो बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा फ्रेंड, मेरा मनोबल बना के रखिए फ्रेंड। बहुत कोई होता है कि फिर सब्सक्राइब उठा लेता है, पता नहीं कैसे ऐसे हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। कभी देखते हैं इतना है, कभी कभी देते हैं दो दो, घट जाता है फ्रेंड, समझ में नहीं आता है। फिर कमेंट में बताइएगा कैसा हुआ। बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं कब ग्रो करेगा फ्रेंड, नहीं जानते हैं। कामयाबी कभी हासिल होगा कि नहीं फ्रेंड, आप लोग साथ दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा फ्रेंड। देखिए ये मेरा लग गया है, देखिए इसको थोड़ा ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ये नहीं पसंद होता है इनको, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी चाहिए, ज़्यादा पानी में ये ना सड़ जाता है फ्रेंड। इसका नाम है कोलोरोमा, बहुत को इसको ड्रेसिना का वैरायटी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं है तो, पर इसका एक्चुअल नाम है कोलोरोमा फ्रेंड। इसको हम देखिए इधर इसी साइड में रख देंगे यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड ऐसे ही रख दिए हैं, ये देखिए यहाँ छाया है बरंडा में फ्रेंड, इसीलिए हम यहाँ रखते हैं। और फ्रेंड इसको हम कटिंग करेंगे अभी, इसको कटिंग करके आप लोग को लगा कर दिखाते हैं। इसको बालू में डालेंगे फ्रेंड, इसको बालू में लगाएंगे, जब इसका रूट निकल आएगा तो फिर हम इसको ऐसे छोटा पॉट में डालेंगे, फिर गमला में डालेंगे फ्रेंड। ये ड्रेसिना का फ्रेंड ये जो है ना, ज्यादा पानी नहीं पसंद करता है, जैसे वर्ल्डन मिट्टी, मैंने वर्ल्डन मिट्टी होना चाहिए जिसमें पानी न टिके। और इसका मिट्टी जब तैयार करते हैं ना फ्रेंड, हम तो पुराना ही में ही डाल दिए हैं, इसमें बालू रखे हैं, बालू में डाले हैं इसका रूट होने के लिए। और इसको जब रखे थे ना फ्रेंड इसको, तो हम बालू में ही इसका रूट निकाले, फिर इसमें डाल दिए अच्छा से। अब मिट्टी में मिक्स किया हुआ मिट्टी उसमें डाले हुए हैं,
क्लोरोन नमक हो उसको फिर ऐसे बालू में ही उसका जड़ निकाले, आप लोग को दिखा ही दिए, और वो अच्छा से उसका रूट सब निकाल गया। उसका भी ओल्डन मट्टी ही होना चाहिए, पानी ज़्यादा यह पसंद नहीं करता है, खूब सूखा सूखा रहना चाहिए। एक दिन भी नहीं पानी दीजिएगा ना फ्रेंड इसमें तो ये कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड यही इसका मिट्टी, सिंपल मिट्टी में ही रहता है, ज़्यादा खाद नहीं चाहिए रहता है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ से हम काट रहे हैं, देखिए यहाँ से हम काट देते हैं। ये देखिए इसका पत्ते सब भी कैसा हो जा रहा था, हम कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमको इसको कटिंग कर देना चाहिए। देखिए इसका खराब पत्ते को हम गिरा देते हैं, ये तो रहेगा नहीं आखिर में। ये तो दूसरा टाइप का ड्रेसिना है फ्रेंड, ये भी एक ड्रेसिना है, ये भी इसका कलर अलग है, पता नहीं एक जैसा अभी दिख रहा, जब हम लाए थे तो अलग अलग था, अभी तो अलग नहीं लग रहा, अभी तो एक ही हो गया है, पता नहीं फ्रेंड देखो आगे क्या होता है। फ्रेंड इसको हम ये बालू में डालेंगे, देखिए हर्बन सब कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड बालू में हम इसी तरह, ये देखिए यहाँ हम डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा दब देते हैं फ्रेंड, तो जब हम इसमें रूट हो जाएगा ना फ्रेंड तब हम इसको निकालेंगे। इसका रूट हो गया है, ये देखिए ये नया नया पत्ता भी छोड़ने लगा है, ये तो बालू में था फ्रेंड, फिर जब रूट हो गया ना तो हम इसको मिट्टी में डाल दिए हैं, ये मिट्टी में डाला हुआ है, पता नहीं इसमें छेद है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है, हाँ छेद तो है ये जी। तो दोस्तों ये देखिए मेरा ये भी हो गया है कटिंग, थोड़ा पानी डाल दिया, इसको डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे फ्रेंड, ये देखिए पानी डाल दिए, तो आप लोग को छोटा सा वीडियो हम दिखा दिए फ्रेंड, आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर फ्रेंड, कमेंट कीजिएगा, और वाचिंग के लिए फ्रेंड थैंक यू।